विषय पार्टी के अंदर कोई टूट, ये बाकी जो भी विषय हैं ये सिर्फ किसी के वजह से टूटने और जूटने वाली कोई बात ही नहीं है। कोई टूटने का कारण तो हो, क्या स्टैंड लेना मुद्दों पर वो गलत है? और अगर गलत है तो फिर प्रधानमंत्री जी ने भी उसको लेकर संशोधन किया है। राजनीति लंबी नहीं हो, लेकिन जितने दिन की राजनीति हो वो ईमानदारी से जिसके साथ हो वो हो, लेकिन नेता के साथ कभी दगाबाजी ना हम कभी कर सकते हैं और ना कभी जीवन में करें। अब DGP जो खुद पुलिस मुख्यालय के सर्वोसर्वा हैं बिहार के, उनको कोई काम करने से कैसे रोक सकता है? आखिर DGP से ऊपर कौन फिर पदाधिकारी है? तो कि जातिगत जनगणना के वो पक्षधर हैं, लेकिन वो सार्वजनिक हो इसके पक्षधर नहीं हो, लेकिन वो आंकड़ा बिल्कुल आना चाहिए ताकि उस आंकड़ों के आधार पर ये तय किया जा सके। जबकि पूरा लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, वो खुद वहाँ के मुखिया हैं और वो खुद जो है पैदल मार्च कर रही हैं और अभी कह रही हैं कि झारखंड बंगाल जलेगा तो बिहार जलेगा, ये भाषा है क्या उनकी? पहले बंगाल तो संभाल ले। 3 सांसद जो हैं भाजपा के संपर्क में हैं और तेजस्वी के साथ आ जाएं। हाँ, ये कौन आ जाए? हाँ, तेजस्वी के साथ चिराग जी आ जाएं, बिहार का भला होगा। नहीं, ठीक है, अपने अपने जहन में ख्याली पुलाव बनाना ही चाहिए। हमारी पार्टी पूरी तरीके से इंटैक्ट है और मैं अपने विषय में आपको स्पष्ट कर दूं कि जिस नेता ने राजनीतिक रूप से इतनी बड़ी पहचान दी, जिस नेता ने इतना बड़ा मौका दिया, मैं अपने नेता चिराग पासवान जी के लिए हमेशा धन्यवाद उनका और आभार व्यक्त करता हूं। राजनीति लंबी नहीं हो, लेकिन जितने दिन की राजनीति हो वो ईमानदारी से जिसके साथ हो वो हो। तो मेरी ईमानदारी मेरे नेता के प्रति सदैव रहेगी, चाहे राजनीति फिर आगे नहीं करनी हो वो मंजूर है, लेकिन नेता के साथ कभी दगाबाजी ना हम कभी कर सकते हैं और ना कभी जीवन में करेंगे। मैं बिल्कुल हमेशा उनके साथ और उनके लिए गए निर्णयों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाला। टूटने की वजह बीजेपी को बताया जा रहा है कि बीजेपी की वजह से टूटेगी। किसी के वजह से टूटने और जूटने वाली कोई बात ही नहीं है। कोई टूटने का कारण तो हो, क्या स्टैंड लेना मुद्दों पर वो गलत है? और अगर गलत है तो फिर प्रधानमंत्री जी ने भी उसको लेकर संशोधन किया है। तो मुझे लगता है कि इन विषयों में कहीं कोई दम नहीं है। पता नहीं, मैं खुद ये देख कर आश्चर्यचकित था कि मीडिया में इस तरीके से कैसे चल रहा है, जिसमें उसके बाद हम लोग झारखंड में जो राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक हुई वहाँ सब लोग साथ थे, अभी भी मैं दिल्ली से आया हूँ तो माननीय नेता से मिलते हुए आया हूँ, सभी विषयों पर बात हुई। तो कहीं कोई ऐसा विषय पार्टी के अंदर कोई टूट, ये बाकी जो भी विषय हैं ये सिर्फ हवा हवाई बातें हैं। पशुपति पारस के जिस तरह से नज़दीकियाँ बढ़ रही है बीजेपी से, कहीं यही सी आकांक्षा लगाई जा रही है? नहीं नहीं, अब देखिए, अब उनका क्या है, वो उनके पार्टी का स्टैंड है, हमारे पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। जो आपको दिख रहा है, जो हमारे नेता का बयान है, वही हम लोग का स्टेटमेंट है। ममता बनर्जी का कहना है कि जिस तरीके से बंगाल में घटना हुई, पर उन्होंने चुप्पी साथ में तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर बंगाल जलेगा तो बिहार यूपी। कौन कह रहा है बिहार जलेगा? ममता बनर्जी कह रहे हैं कि बंगाल अगर जलेगा तो देश जलेगा। नहीं, ये अब इस भाषा से आप समझिए ना कि अगर प्रदेश की मुखिया की ये भाषा और ये शैली रहे जवाब देने की, जबकि उनके स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो रखा है, ना तो घर की बहु बेटी सुरक्षित है, इतना बड़ा डॉक्टर के साथ जो घटना घटी उसके बाद वो खुद सड़क पर निकलती हैं, जबकि पूरा लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है, वो खुद वहाँ की मुखिया हैं और वो खुद जो है पैदल मार्च कर रही हैं और अभी कह रही हैं कि झारखंड बंगाल जलेगा तो बिहार जलेगा, ये भाषा है क्या उनकी? पहले बंगाल तो संभाल ले। जीतन राम मांझी आपके नेता को टारगेट कर रहे हैं, चिराग पासवान को, और लगातार उनको लेकर बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं, चिराग पासवान हिंदी हो गए, कई तरीके का बात निकल गए सामने। नहीं, मुझे लगता है कि हम लोग मांझी जी को बतौर गार्जियन और अभिभावक मानते हैं, और पता नहीं, मैं ऐसा सुना नहीं हूँ कि जो शब्द और शैली आप बोल रहे हैं कि उन्होंने कहीं कही है, और अगर कहीं भी उन्होंने कहीं है तो मुझे लगता है कि वो अभिभावक हैं, इन चीज़ों पर उनको मंथन करना चाहिए और चीज़ों को समझते हुए ही आगे के विषय को रखना चाहिए। कोटे के अंदर कोटे की जो बात की गई आरक्षण को लेकर, उसको आपकी पार्टी कैसे देखती? नहीं, हमारी पार्टी का स्टैंड, हमारे नेता ने पूरी स्पष्टता से कहा कि ये क्रीमी लेयर वाला जो विषय है वो हमारे नेता ने उसको लेकर पूरी टिप्पणी कर दी है। उन्होंने कह दिया कि ये छुआछूत वाली बात है, तो यहाँ पर क्रीमी लेयर वाला कोई विषय ही नहीं रह जाता है। और खुद जब मांझी जी माननीय मुख्यमंत्री थे उस वक्त कहीं पर गए थे तो मंदिर धुलवाया गया था, तो ये विषय तो हमारे नेता ने पूरी तरीके से स्पष्ट कर ही दिया।
तेजस्वी यादव लगातार अपराध हो या फिर बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला हो, इस पर लगातार वे कह रहे हैं कि बिहार में जो है अच्छे ऑफिसर जो हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है और उनके चेले बेलचे हैं वो लोग ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं। नहीं, अच्छे ऑफिसर्स की सूची वही बता दें कि कौन अच्छे ऑफिसर्स हैं। आरएस भट्टी को काम नहीं किया जा रहा है। अब डीजीपी जो खुद पुलिस मुख्यालय के सर्वो सर्वा हैं बिहार के, उनको कोई काम करने से कैसे रोक सकता है? आखिर डीजीपी से ऊपर कौन फिर पदाधिकारी है? तो ऐसी बातों से लोगों को दिग्भ्रमित करने वाली बात है, बाकी वास्तविकता क्या है वो जनता और लोग जानते हैं। बिहार में जाति आधारित गणना हुआ था, चिराग पासवान पूरे देश में करवाने की मांग कर रहे हैं, आपकी पार्टी आवाज उठा रही है, क्या होने जा रहा है? नहीं, बिल्कुल, हम अपने नेता के स्टैंड के साथ, और हमारे नेता ने इसीलिए कहा कि अगर जातिगत जन उनका बस उसमें थोड़ा सा ये सुझाव जरूर है कि जातिगत जनगणना के वो पक्षधर हैं, लेकिन वो सार्वजनिक हो, इसके पक्षधर नहीं हो, लेकिन वो आंकड़ा बिल्कुल आना चाहिए ताकि उस आंकड़ों के आधार पर ये तय किया जा सके कि किस जाति समाज की संख्या कितनी है और उनके लिए हमको क्या बेहतर करना है, ये जानकारी होनी चाहिए, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो नेता है वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान अब राहुल गांधी के बोल बोलने शुरू कर दिए, राहुल गांधी भी बोल रहे हैं और चिराग पासवान भी बोल रहे हैं। खैर, उनकी उनके विषय पर हम कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, वो इसी तरीके से जो बोल रहे हैं वो कौन बोल रहा है और बिना कोई हाथ पांव वाली बातों पर क्या ही जवाब दिया जाए। सर, फतुहा के गांव है एक गोविंदपुर, वहां के जमीन है, पूरे गांव को वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है कि यह जमीन वक्फ बोर्ड की है, पूरे गांव को खाली करने का आदेश। ये जांच का विषय है, मुझे लगता है कि इसको लेकर सरकार तत्पर है। मेरी नज़र में ये जहन में जानकारी आई थी और ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा क्या। बिहार में एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, पर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और कह रहे हैं कि अब जो पैसे दे के आते हैं उनको मलाईदार जगह दिया जाता है, जो पैसे नहीं देते उनको सेंटिंग में डाल दिया गया। कौन कह रहा है? तेजस्वी यादव। नहीं, उनके तो बहुत सारे आरोप है, वो लगातार ही आरोप लगा रहे हैं। अब इन विषयों पर क्या कहना, जब उनके खुद के कार्यकाल में क्या होता था, क्या वो छुपा हुआ क्या किसी से, और खुद ही उनके इन्हीं विषयों को लेकर तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जब इसकी जानकारी हुई थी और उनको पता चला था कि उनके खुद के डिपार्टमेंट में ये तमाम चीज़ें हो रही थी, तभी तो